इनऑर्गेनिक नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आता है वो है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल आते ही आपके दिमाग में आता है 118 एलिमेंट, यस 118 एलिमेंट्स। और इन्हीं की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक के अंदर देखते और महसूस करते हैं। चूँकि ये सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर पोजीशन में फिक्स्ड हैं, इसमें आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इन 118 एलिमेंट्स को आपको प्रॉपर तरीके से याद करना है। लेकिन अगर हम उसे विजुअलाइज कर पाएँ, देख पाएँ, महसूस कर पाएँ, तो कहीं ना कहीं इन्हें याद करना, दिमाग में बैठाना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। नाम हैं तो हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेरा नाम अजनीश है, अब आपके दिमाग में आए कि आर लगा दें तो रजनीश हो जाए, तो रजनीश काफ़ी अच्छा नाम, रजनीश सुना हुआ है, अजनीश सुना हुआ नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा नाम अजनीश है तो है, और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी मजबूरी है कि आपको मेरा नाम याद करना है। सिमिलरली अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, उनकी पोजीशंस हैं, वो आपको याद रखना है, तो मैं आपको एक इनऑर्गेनिक का बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूँ, जिसको मैं अपने स्टूडेंट को दिखाता हूँ, जिससे कि उनको विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो और इनऑर्गेनिक थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। इस एप्लीकेशन के थ्रू बच्चा खुद को एलिमेंट से जोड़ लेता है, चीज़ों को महसूस कर लेता है, और शायद उसे याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। देयर इज द एप्लीकेशन विच आई यूज़ टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इनऑर्गेनिक। इस एप्लीकेशन का नाम है द एलिमेंट्स, यस द एलिमेंट्स। चूँकि आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने कोशिश किया हुआ है कि हर एलिमेंट को आप प्रॉपर तरीके से विजुलाइज कर पाएँ। जैसे कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक ज्ञान कार्बन, डायमंड के थ्रू उन्होंने दिखाया हुआ है। इन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसमें इन्होंने उस एलिमेंट की पोजीशन स्पेसिफाई किया है कि सेकंड पीरियड में और 14th ग्रुप में है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि हीलियम 2s2 2p2, इवन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक दिया हुआ है कि सिंपल हेक्सागोनल, एटॉमिक रेडियाई कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, डेंसिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितनी है, यूनिवर्स में कितना अकरेंस है, सन में कितना अकरेंस है, क्रस्ट में कितना अकरेंस है, ओशियन में कितना अकरेंस है, और इवन ह्यूमन बीइंग में कितना अकरेंस है। ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। केमिस्ट्री थोड़ी सी और अट्रैक्टिव हो तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ इन्होंने डाला हुआ है। फुलरेन नाम तो आपने सुना ही होगा, कॉन्गो क्यूब, इवन डायमंड, स्टील्स वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। इवन वीडियोस के थ्रू भी इन्होंने चीज़ों को समझाने की कोशिश किया हुआ है कि पहले फिल्म प्रोडक्शंस वगैरह में भी कार्बन को हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते थे। हर एक एटम का इन्फॉर्मेशन, चाहे वो थैलियम हो, चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, लिथियम हो, हर एक एलिमेंट आप प्रॉपर तरीके से इसके थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। इवन इस विजुअलाइजेशन के साथ साथ, कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट बच्चे अपने लैब वगैरह में करें तो कहीं ना कहीं सामने वाले को काफ़ी इम्प्रेस कर सकता है, अट्रैक्टिव होगा। जैसे इन्होंने मैग्नीशियम को काट कर पहले उसको फॉयल बना लिया, और उसके बाद से देखें, आप महसूस करें ड्राई आइस के हेल्प से उसने कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। उसने ड्राई आइस को एक शेप दिया, शेप देने के बाद मैग्नीशियम को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया और फिर उसको जला दिया। आई थिंक यू लाइक इट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हर एक एलिमेंट के बारे में उन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है।
इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस इंट्रोडक्शन के टर्म्स में दिया हुआ है कि कौन से ब्लॉक्स को क्या क्या देते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ए ब्लॉक्स, स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। अगर वो नाम आए हैं पीरियोडिक टेबल पे तो किन किन ऑर्बिटल के बेसिस पे आए हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाता है। इवन एलिमेंट्स, सबको याद करने की पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने एक सॉन्ग जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे कि सारे एलिमेंट को एट ए टाइम विजुलाइज कर पाएँ। तो लास्टली एंजॉय द सॉन्ग। There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, kryptonium, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.